नहीं डॉक्टर साहब, ये एक लोगों में एक जिज्ञासा रहती है कि जैसे कि 50+ या 60+ लोगों को हमें वो ब्यूटी देना चाहिए था, यंगस्टर्स को देने की आवश्यकता नहीं थी। ये साइंस करता क्या है असल में? 50+ या 60+ लोगों में वो ब्यूटी क्या करता है, कैसे असर करता है, और बाकी के बच्चों को, बाकी जो छोटे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको आवश्यकता क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा विज्ञान समझाएंगे आप ब्यूटी के ही देखिए, भाषा में? हाँ, जैसे रिस्क बेनिफिट बोलते हैं ना, कि मान लो जिस चीज से अगर हम बूटी कोई भी दवाई या बूटी कुछ भी लेंगे, थोड़ा बहुत तो कितना भी रेयर हो, थोड़ा बहुत तो आशंका रहता है कि इससे कुछ दुष्प्रभाव हो और मौत भी हो रहे हैं, तो कोई भी चीज से हो सकता है। और बीमारी भी ऐसा होता है, कुछ भी इन्फेक्शन हो तो उससे भी कुछ लोगों में मौत हो सकता है या सीवियर हो सकता है। और हमको आंकड़े इकट्ठे करना है कि कितने प्रतिशत को बीमारी से मरने की आशंका है और कितने प्रतिशत को। तो अगर बीमारी से मरने की आशंका बहुत ज्यादा है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, या टिटेनस हो जाए किसी को, 30% है, या और कोई बीमारी हो, तो उसमें अगर बूटी से 0.1% या 1 in 1000 भी होते हैं, तो हम उस पर रिस्क, हमारे बेनिफिट इज बेटर देन रिस्क। पर ये बीमारी जिसमें कि शुरू से ही, अभी तो ठीक है, शुरू से ही यंग एज में 1 or 2 in 1 million इन्फेक्शंस, इसके जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट था, तो इसके लिए तो बूटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर टू एक्सपेरिमेंट विद अ बूटी फॉर अ डिजीज विद सो लो फेटेलिटी। तो ये तो कोई भी इससे, कोई भी इसमें, इसका नाप तोल में इसका रिस्क, जैसे जैसे यंगर एज में जाएंगे, बूटी का रिस्क ज्यादा है और बीमारी का रिस्क नेग्लिजिबल टू जीरो हो जाता है। तो ये तो बहुत, फेयरमैन ने जो रिसर्च सामने रखा है, जो खुलासा किया है कि किस प्रकार से ब्लड क्लॉट हो रहे हैं और मायोकार्डाइटिस पेरिकार्डाइटिस का जो केसेस आ रहे थे, जिसके बारे में डॉक्टर पीटर लगातार कह रहे थे, और एक समय में जब सबसे पहला खुलासा हुआ कि इस बूटी से डॉक्टर रॉबर्ट मलोन ने कहा कि ये इफेक्ट हो सकता है, तो अब तो वो सारे शोध आ गए। उस एक हिसाब से चीज, इसका मतलब जो डॉक्टर पीटर कह रहे थे, ये शोध उसको वैलिडेट कर रहा है। हाँ, एक चीज मैं और इसमें ऐड करूंगा, थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है और लोगों में मिसकंसेप्शन स्प्रेड भी किया जाता है। एक ये मिसकंसेप्शन है कि ये जितने भी मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस है, mRNA वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, और हमारे देश में जो बूटी है वो DNA से बनाया है। तो ये मिसकंसेप्शन है, हमारे जो बूटी है वो वेस्टर्न कंट्री में जो पाया गया है साइड इफेक्ट उसके बहुत ज़्यादा है, mRNA वैक्सीन से भी ज़्यादा है। इसका वजह मैं बताता हूँ, एक तो इससे खून के धब्बे होते हैं, और दूसरा इससे भी पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस हो सकता है। वजह यह है कि ये जैसे ही बॉडी में जाता है, एडिनो वायरस वेक्टर में है ये चिंपैंजी का, बॉडी में DNA के हिसाब से जाता है और बॉडी में ये mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज ऑल्सो mRNA। आप देख ले, कोई भी आप गूगल सर्च करके देख ले इसको मैकेनिज्म, वो डायग्राम बना हुआ है कि DNA बन के फिर वो मैसेंजर RNA बन जाता है। तो अल्टीमेटली बॉडी में भी ये स्पाइक प्रोटीन और mRNA वैक्सीन के जितने भी दुष्प्रभाव होंगे उसके, उसका तो वो होगा ही, उसके अलावा इसका जो दुष्प्रभाव है ये ब्लड क्लॉट्स या खून के धब्बे का, शुरू से ही इसका आशंका रह चुका है, और इसका भी रह चुका है। जॉनसन वैक्सीन, J&J का भी था, क्योंकि दोनों का पद्धति बनाने का एक ही तरीका है। तो ये तो अभी ज्यादा, ये तो बहुत बहुत ज्यादा पैमाने में इतना मास बूटी लगाने से, कुछ लोगों को लगाते तो इसका दुष्प्रभाव कम होता, जिसको बीमारी से ज्यादा रिस्क होता है यंग एज में भी, जो कि बहुत सीवियर कोमोबिडिटी है कुछ है, उसका भी अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ये एजम्पशंस है। क्योंकि जो ट्रायल शुरू में किए गए थे वो हेल्दी में किए गए थे, एल्डरली या कोमोबिड नहीं किया, हो सकता कोमोबिड में भी इतना काम ना करता हो। ये ऐसा है कि कोमोबिडिटी इसमें तो शुरू से ही इस पेंडेमिक में हर कुछ ही ऐसा है कि आप कोई पिन पॉइंट स्क्वेयरली किसी चीज को ब्लेम ही नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज ऑफ डेथ इन्होंने ऐसा डिस्टॉर्ट किया है कि अगर कोई मरेगा बूटी लगाने के बाद तो बोलेंगे कोमोविड से मरा है, और अगर वो बूटी के पहले अगर कोई मर रहे थे तो उसको RT-PCR पॉजिटिव है तो कहेंगे कि ये बीमारी से मर रहे थे। तो ये तो इस तरीके से बनाया है इसको कि आप किसे पकड़ोगे, कहीं से ना कहीं से निकल ही जाने वाला है, जैसे सांप निकल जाता है, इस टाइप से बनाया है इसको।